What's up guys, this is Rubasat Khan JD. So जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कॉलेज की अपनी डिग्री कॉलेज जो जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उस कॉलेज में मैं अपना एक व्लॉग बनाऊंगा. So आज वो दिन है तो हम जाते हैं अपने कॉलेज, आपको अपने कॉलेज का विजिट करवाता हूँ. और ये गोंडा में डिग्री कॉलेज नंबर 1 अहमदाबाद है, कह लें वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है. अहमदाबाद में बड़ा मशहूर कॉलेज है और फेमस कॉलेज है, और ये यहाँ पर जो स्टडी वाइज है ये भी बहुत अच्छी होती है. तो ये डिग्री कॉलेज की फ्रंट लुक है, ये देख सकते हैं आप. सो मैं आपको लेकर जा रहा हूँ. सो ये रोड पे, ये लिंक रोड पे है, आप देख सकते हैं. ये 3-story ब्लॉक है, इसमें 6 डिपार्टमेंट हैं. यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर. सो ये सबसे पहले मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है. मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको पता है मैथमेटिक्स रटा मार मार मार. तो ये आपको मेरी मैथमेटिक्स के पार्टनर कौन है, केमिस्ट्री. केमिस्ट्री से मैं जाता हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, आपको बुलाता हूँ. तो ये हो गया डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ये आ गया मेरा डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री और ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस. और अब बुलाए तो ये अब ऊपर आ गया हमारी क्लासेस. ये आ गया दो, यहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, यानी हमारा डिपार्टमेंट और साथ सिक्रेसी. सिक्रेसी का मैंने आपको बताया, यहाँ पर लोगों के काले चिट्टे और नामों का सर का नाम का जो रिजल्ट है वो आता है. और ये आगे इस साइड आ जाते हैं, राइट साइड उसका नाम क्या है इकोनॉमिक्स, और लेफ्ट साइड पॉलिटिकल साइंस. तो अब हम ये दोनों डिपार्टमेंट है, इधर लगा इधर लगा, ये दोनों डिपार्टमेंट है बच्चे. अब हम चलते हैं ऊपर 3rd फ्लोर पे, इंग्लिश और इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के बाद डिपार्टमेंट. चलो ये आ गया हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट. सो ये आ गया हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, और ये उस साइड इंग्लिश डिपार्टमेंट की क्लासेस होती हैं. फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिर क्लास, और इस साइड कंप्यूटर साइंस की. सो ये ब्लॉक कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं बॉटनी ब्लॉक. यहाँ पर केमिस्ट्री का भी न्यू ब्लॉक है. यहाँ पर सिर्फ 4 डिपार्टमेंट है, बॉटनी केमिस्ट्री और फिजिक्स स्टेटिस्टिक्स भी है. तो ये बॉटनी का लैब आ गया, बॉटनी का लैब. ये न्यू ब्लॉक बना है और ये 2017 में ये एस्टेब्लिश हुआ है, बना है नया. नहीं जाते छोड़ सर, तो वो करेगा एक्चुअली. अबे साले यहाँ पे टीचर हैं फिजिक्स के, तो वो काफी ज्यादा ना स्ट्रिक्ट हैं ब्लॉग बनाने से. मोबाइल मोबाइल यूज करना अलाउ नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है. अब हम यूनिवर्सिटी में आ गए, लेकिन ये यूनिवर्सिटी नहीं है. पता है हम नीचे बिल्कुल नीचे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आए हैं, तो फर्स्ट फ्लोर जो कि मिड स्टोरी है यहाँ पर आ जाता है ये केमिस्ट्री ब्लॉक मिड, यहाँ तक. और यहाँ से स्टार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स, और ये डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स है. और यहाँ से अगर हम ऊपर देखें 3rd फ्लोर में, ये तमाम सारे का सारा डिपार्टमेंट फिजिक्स के अंडर है, फिजिक्स डिपार्टमेंट. बिल्डिंग को बोलते हैं यूरोपियन यूनियन बिल्डिंग, बड़ी प्यारी बिल्डिंग बनी हुई है. इसका स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं आपको भी, ये ब्यूटीफुल लॉन, ये हमारा साइंटिस्ट की पिक्चर्स भी लगी हुई हैं. ये
ये सबसे ना आराम सुकून वाला डिपार्टमेंट है मेरे ख्याल से। इतना कोई रश ना और कुछ, पब्लिक स्टूडेंट्स आते हैं जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के होते हैं सिर्फ वही यहाँ अलाउ हैं। बिल्कुल सामने आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जहाँ पे बाबू बैठते हैं और प्रिंसिपल ऑफिस भी है, और ये है मेन इनके एफ एस सी ब्लॉक के। सबसे बड़ा हाल है इसका मेन हाल, जहाँ पर हर जो बड़ा फंक्शन हो वो यहाँ पर होता है, वो ये एक्चुअली हालत बहुत ख़राब है जब से इलेक्शन हुई है। हमारा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, सो ये देख लें ये हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस, और ये क्लासेस होगी और ये आ गई मेन लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी जहाँ स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, और देख लें यहाँ पर न्यूज़ वगैरह लगती है, जो डेली न्यूज़ होती है स्टूडेंट्स आकर पढ़ते हैं। और ये रहा हमारा स्पोर्ट्स ऑफिस, मतलब जहाँ पर स्पोर्ट्स की सामान वगैरह होता है, और ये कि यहाँ पर हमारी ट्रॉफीज वगैरह जो हमने जीती हुई हैं, जो हमारा कॉलेज विनिंग है, और मैं हमारा JES डिपार्टमेंट। सो ये रहा हमारा उर्दू डिपार्टमेंट, ये हम उर्दू डिपार्टमेंट में। ये है हम यूनिवर्सिटी में BS है, लेकिन कॉलेज है। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर एक चीज़ को प्रमोट किया जाता है, बस स्टडी को, बस और कुछ किसी चीज़ को नहीं। हमारे स्पोर्ट्स का जो जितना भी सारा स्पोर्ट्स जो है ना, वो फिजिकल एजुकेशन के अंडर है। तो हमारा जो स्पोर्ट्स वीक जो हुआ था वो भी इन्होंने ही करवाया था, कंडक्ट करवाया था। तो आपको पता है मैं स्पोर्ट्स में बंदा हूँ, और मैंने यहाँ पर किस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया था, हॉकी में किया था, एथलेटिक में किया था, क्रॉस कंट्री में किया था, और आगे जी ये फुटबॉल में, बैडमिंटन। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये डिग्री कॉलेज ऐसा कॉलेज है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी है, इसमें तीन बंदे कामयाब है, सिर्फ और सिर्फ तीन बंदे। नंबर वन बंदा वो जो पढ़ाकू हो, नंबर टू जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो, नंबर थ्री तो उससे भी ज्यादा पड़ा को आए है। तो बस यहाँ पर ही बनने का मैम है, और मैं कहता हूँ इसकी स्टडी ना बेस्ट स्टडी है, और आपको पता है बिल्कुल इसके सामने लॉन्ग भी है। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम बैक बेंचर हैं, बैक बेंचर को आपको पता है बैक बेंचर जो क्या है, वो पढ़ना ना आपने तो इन समझते हैं, लेकिन इस कॉलेज में हमारे बैक बेंचर है, लेकिन मजबूरन हमें पढ़ना पड़ता है। हमने बोला यार पढ़ेंगे तो कुछ होगा, वरना पढ़ने बगैर कुछ नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम आगे यहाँ पर PS की क्लासेस होती हैं, और SEU की, जैसे फर्स्ट ईयर वाइज की। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर कॉलेज का ये प्रोसेस है, यहाँ पर FSC और जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है ना, ये बॉयज के लिए, सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए। और DS जो सिस्टम आ जाता है ना, वहाँ से आगे को एजुकेशन आ जाता है। हमारे मतलब आपको वहाँ से कहा। सो ब्रो, अब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं इस ब्लॉक की, लाइक ये एंड है, बिल्कुल एंड कॉलेज का। इससे आगे मेन ग्राउंड का एंट्रेंस भी है, जिधर मोस्टली जलसे होते हैं, और एंट्रेंस इनकी यहाँ से होती है, नॉर्थ शरीफ का यहाँ पे बनान है। तो बस ये है, इधर क्लासेस होती हैं FSC की जो आपको पहले बताया। सो अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये सामने इसके बिल्कुल सामने है हिस्ट्री ब्लॉक। ये तमाम क्लासेस हिस्ट्री की होती हैं, इसके आगे डिपार्टमेंट भी है जिधर SD सर बैठते हैं और लॉन भी, गर्ल्स बॉयज लॉन मिक्स ही है यहाँ पर, वही वाला सिस्टम है, गर्ल्स आ जाए तो गर्ल्स लॉन, बॉयज आ जाए तो बॉयज लॉन। सो देख सकते हैं वो सामने उर्दू डिपार्टमेंट है वहाँ, और इस साइड डिपार्टमेंट जैसे तरह साथ कह भी रहे, और जो नीचे है इसके नीचे है बिल्कुल, ये है पाकिस्तान स्टडीज क्लासेस। यहाँ पे हिस्ट्री वालों की भी होती है, क्योंकि क्लासरूम वहाँ पे थोड़ी जाते हैं, और ये बिल्कुल सामने इधर आई डोंट थिंक सो, और नीचे इसके कॉन्फ्रेंस हॉल है जिधर हमारी मोस्टली वेलकम और फेयरवेल पार्टीज भी होती है, बिल्कुल वाला। अब हम जा रहे हैं इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट, ये देख सकते हैं ये इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट, यहाँ पर ये देखें ये डू नॉट यूज मोबाइल। और अब हम चलते हैं ग्राउंड, मेन ग्राउंड जो कॉलेज का मेन ग्राउंड है, वहाँ से जाकर आपको कॉलेज की जो ग्राउंड की साइड से जो लुक है ना वो आपको बताएंगे, वो बड़ी प्यारी लुक आ रही है, आती है। और
सो ये रहा हमारा मेन ग्राउंड, यहाँ पर हर साल IDSL होता है, इंटर डिपार्टमेंटल सुपर लीग, क्रिकेट के आपस में डिपार्टमेंट के आपस में मैचेस होते हैं। हमारा डिग्री कॉलेज है, ये इसका मेन गेट है और इसके तीन गेट आते हैं, नंबर वन गेट ये है, नंबर दूसरा गेट ऊपर है और तीसरा। आपको गार्डन बताता हूँ, डिग्री कॉलेज का बेस्ट गार्डन है। यह गेट नंबर टू जो अब्दाबाद शहर की तरफ से निकलता है और इसके बिल्कुल सामने आबादी सरबन की भी आती है और क्याल की भी आती है। हम देखिए गोल्डन एरिया में आ जाते हैं, ये बोलो अब्दाबाद का गोल्डन एरिया है ना, इसमें ये है। और ये कॉलेज की मस्जिद है, ये कॉलेज की मस्जिद। और ये डबल गेट है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन। मस्जिद मस्जिद है, बाकी कंस्ट्रक्शन करके इसको ऐसा बनाया गया कि लगता ही न्यू है, बट है ये 44 से बना। ये एंट्री, इसकी एंट्रेंस है और इसके साथ बॉयज हॉस्टल के साथ ही टीचर्स हॉस्टल है, ये टीचर का हॉस्टल है और इनके साथ ही बिल्कुल गर्ल्स हॉस्टल है, ये गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल आ गया, अब हम आगे बढ़ते हैं बॉयज ग्राउंड और यहाँ पर पार्किंग है। और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे गर्ल्स लॉन है। जाना अलाउ नहीं है क्योंकि उस वक्त गर्ल्स होती हैं, तो अभी छुट्टी का है, सब सारी गर्ल्स चली गई हैं और लॉन जो है बिल्कुल खाली है। तो ये देखिए लड़कों को कितना VIP माहौल मिला हुआ है। चिनार, आपको पता है अब्दाबाद को है ना चिनारों का शहर कहा जाता है, और चिनार के नीचे गर्मियों में समझ लो इतनी ठंडक होती है, सुकून, मतलब गर्मियाँ यहाँ पर नीचे आ जाओ सुकून मिल जाता है इंसान को। बेशक भी हो, देखें इतनी प्यारी गार्डन को जो इनका लॉन है उसको देखेंगे कितना कचरा फैलाया हुआ है इन लड़के ने। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? थोड़ी सी आपके यार एजुकेटेड हो आप लोग, कितनी ये डस्टबिन है, ये देखें तो ये और फासला कितने हैं ये चेक करें, वो देखें हाथ तो हाथ दुखते हैं। बॉयज लॉन पे देखें, एक भी आपको कोई गन पड़ा हुआ नजर आ जाए ना तो मैं आपको जुर्माना दूंगा, बोलते ना जुर्माना, फाइन, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए, फाइन दूंगा। तो ये देख सकते हैं इनको कितना प्रोटोकॉल दिया जाता है लड़कों के मुकाबले, फिर भी लड़कियां देखो लॉन नहीं कह, ये देखो जगह जगह पर गंदगी और मुझे इस चीज से बहुत नफरत है। सो ये रहा गर्ल्स लॉन, और आपको पता है गर्ल्स लॉन में यहाँ पर चिनारे हैं और सुकून है यहाँ पर गर्मी में। सो ये देखें, ये भी आया है यहाँ पर, ऐसे पता है कि गर्ल्स चली गई हैं, सो मैं आकर थोड़ा सा आराम कर लूँ, गर्मी है। तो अभी हम चलते हैं गेट नंबर 3 की तरफ। कॉलेज में जो थोड़ा बहुत न्यू काम हुआ है जिस वजह से ये सब कुछ देख सकते हैं आप, और ये देखें ये मुंह हाथ धोने की जगह कर, और लुक इट जी, ये देखें ये रहा बॉटनी ब्लॉक। सो बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये है, और मेन चीज़ ये जो मुझे अच्छी लगती है देखिए जी पी जी सी, चलते हैं गेट नंबर 3 की तरफ। ये
इसके साथ बिल्कुल बैंक है, जिस वक्त फाइन शाइन होता है, ये दाखिला होता है, एडमिशन वगैरह करवाना होता है, साथ ही इधर आते हैं, फीस ही जमा करवा के सब कुछ यस नो करके तो आते हैं। और ये साथ है बॉयज हॉस्टल हॉस्टल नंबर वन, और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ, और साथ ही ग्राउंड एरिया सारा, तो यहाँ से लोग बताते क्वालिटी। अभी मैं आपको बता रहा था कि आज इधर पब्लिक सर्विस का जो है ना वो टेस्ट हो रहा है, कल होगा शायद, तो अभी ये टेंट वगैरह लगेंगे, तो फिर सुबह कल आएंगे सारे टेस्ट जिन्होंने अप्लाई किए हुए वो टेस्ट देंगे। तो अब हमने आपको बता दिया, और मैं हो गया हूँ बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और ऊपर से रोज़ा भी रखा हुआ है, और गर्मी आपको पता है इतनी तेज़ गर्मी है, तो अब मैं चलता हूँ घर अपने। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, दबा दो, मुझे ज़रूरत है आपकी, आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। गाँव में याद रखें, शुक्र अल्लाह, माशाल्लाह, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, अ ब्यूटीफुल पीपल, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।